सीसीटीवी भी सामने आया, अब मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सीएम विष्णुदेव साय अपने गृहनगर जशपुर पहुंचे। कुनकुरी विधानसभा के दुलदुला में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। सीएम साय मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम ने मंच से मतदाताओं का अभिनंदन किया और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमार कुनकुरी विधानसभा के पांचों मंडल के हमार समस्त देव तुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमार मंडल के पदाधिकारी मन, जिला के पदाधिकारी मन, हमार महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी मोर्चा प्रकोष्ठ के समस्त कार्यकर्ता भाई बहनी मन, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपन के परिश्रम के कारण कुनकुरी में आपन भारी मत से जीता है। पहले जो विधायक रहीस और संसदीय सचिव भी रहीस पिछले सरकार में, ऐसा लगा रिस कि ये तो कभी हार ही नहीं। नक्सलवाद पर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फेक एनकाउंटर कर वाहवाही लूट रही है। इस पर बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने पलटवार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि 5 सालों में कांग्रेस ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। आज बस्तर नक्सलवाद से मुक्त नहीं हो पाया है। सरकार फर्जी वाहवाही लूटकर लूटने का काम कर रही है। आप नारायणपुर की घटना को देखेंगे, वहां से भी ग्रामीण आए थे जब 5 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। गांव वाले वहां भी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाए हैं। क्या सरकार पिछले 15 साल की तरह काम करना चाह रही है? निर्दोष आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर वो नक्सली साबित करने का प्रयास कर रही है? ये कांग्रेस के लोगों को खासकर नक्सल विषय मुद्दे में तो ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देगा, क्योंकि अगर बस्तर में आज नक्सलवाद का जो विस्तार हुआ है, नक्सलवाद जो पनपा है, तो इन्हीं लोगों के संरक्षण में, इन्हीं लोगों के पोषण के कारण बड़ा विस्तार हुआ है। 5 वर्ष में कांग्रेस के लोग दावा करते थे कि हमारे सरकार आने से नक्सलवाद खत्मा हो गया, नक्सलवाद में कमी आया। अगर नक्सलवाद में खत्मा हो गया, कमी आ गया, तो अचानक कहाँ से पैदा हो गए? और दूसरा, मैं कांग्रेस के लोगों को, अभी जितने लोग पुलिस के गोली से मारे नहीं गए, उससे ज़्यादा नक्सली के हाथ से मारे गए हैं, तो ये लोगों को बताना चाहिए वास्तव में नक्सली कौन है। मुंगेली के लोरमी में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मतदाता सम्मान समारोह में शामिल हुए। तोखन साहू ने जनता का धन्यवाद किया और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साफ के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने सियान सदन का शुभारंभ किया। सियान सदन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए। राजधानी रायपुर में क्राइम के केस कम हुए हैं, वहीं नशे के कारोबार और इससे जुड़े मामलों में 19% का इजाफा देखा गया। पुलिस का कहना है कि अपराध में 8% की गिरावट, वहीं नशे के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहे हैं, इस वजह से केस बड़े दिखाई दे रहे हैं। के खिलाफ अभियान निजात लगातार जारी है। आप देखे होंगे कि अपराध हम लगातार कायम कर रहे हैं, जिससे अपराध जो कायमी है उसमें संख्या बढ़ी है, किंतु पैरेलल ही देखेंगे कि चाकूबाजी में और मर्डर में अन्य जो अपराध हैं, आईपीसी के अपराध हैं, उसमें लगातार कमी आ रही है। पर निश्चित परसेंट में लगातार उत्तरोत्तर कमी आ रही है। पुलिस का अभियान जारी है, खास करके सूखा नशा और के खिलाफ, और किसी भी रूप में इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोंडागांव से खबर है। दोस्ती के नाम पर युवती से दुष्कर्म किया गया। नाम बदलकर सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। युवती से मिलने पर दोस्त आया मिलने के लिए घर पर, युवती के घर में रेप करने का आरोप है। आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार भी कर लिया। आईपीसी की धारा 370-417 के तहत 63/2024 एफआईआर कायम किया गया था थाना प्रसाद में, और उसमें जो पीड़िता है उसके साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती उसकी हुई थी।
उस पर से जो आरोपी था वो फरार था, उसको फरदगांव पुलिस ने यूपी जाकर कानपुर नगर से गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बलरामपुर में लाखों की धोखाधड़ी कर अफसर फरार हो गया। 35 लाख रुपए का गबन करके फील्ड ऑफिसर फरार है। लोगों के नाम से लोन लेकर फरार हो गया है। 114 उपभोक्ताओं के नाम से लोन लिया था। इको फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में काम करता था। वाडफ नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव में जाकर महिलाओं को छोटे छोटे समूह बनाकर लोन दिलवाने का काम करता था। लोन दिलवाकर 50,000 का लोन दिलवाया, 5,000 देकर बाकी पैसा खुद रखकर बोलता था किस्त को मैं पटा लूँगा। 2022 से नियुक्त था। 30 मई 24 को रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद पता चला करीब 60-70 समूहों का किस्त बाकी है और करीब 35 लाख रुपए का गबन लेकर फरार हो गया है। इसके लिए एफआईआर किया गया है। आरोपी की पता तलाश जारी है। रायपुर में भवन निर्माण के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में युवक की मौत हुई है। मकान के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरने से